दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे बवाना के कोट खुर्द गांव। किसानों से की मुलाकात और किसानों से जुड़े कई कामों से किसानों को करवाया अवगत। दिल्ली में लैंड पुलिंग पॉलिसी पास हुई तो इसका श्रेय लेने की होड़ भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच मची है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जगह जगह ग्रामीण इलाकों में सभाएं कर किसानों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने लैंड पुलिंग पॉलिसी सब जगह से पास करवाई और खुद भी पास की। लैंड पुलिंग पॉलिसी केंद्र में पास हुई इसके बाद दिल्ली सरकार, तो आखिरकार दिल्ली के उपराज्यपाल ने लैंड पुलिंग पॉलिसी पास करके नोटिफिकेशन जारी किया जिससे अब दिल्ली के गांव भी शहरों के रूप में विकसित होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में अलग अलग गाँवों का दौरा किया और दिल्ली देहात के लोगों से लैंड पुल के मुद्दे पर बात की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब लैंड पुलिंग पॉलिसी से दिल्ली देहात के गांवों का शहरीकरण किया जाएगा और इलाके का विकास होगा, लाखों नौकरियां और रोजगार पैदा होंगे। देहात के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत काम किए हैं, जैसे फसलें खराब हुई उसका मुआवजा दिया जो देश में सबसे ज्यादा था। लैंड पुलिंग पॉलिसी में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल तीनों का ही अहम योगदान है, जिसको लेकर किसान अब शुक्रिया कर रहे हैं। ताज़ा और नई जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, उसको दबाइए तो ये चैनल सब्सक्राइब होगा, जिससे आपको फ्री और ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। अनिल अत्री, दिल्ली। जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, एक बार ओले पड़ रहे तो किसी ने शीला दीक्षित से पूछा, मैडम ओले पड़ गए, कितना नुकसान हुआ फसलों का? तो मैडम बोली, दिल्ली में फसलें भी होती है। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको ये नहीं पता था दिल्ली में देहात भी है, दिल्ली में किसान भी है, दिल्ली में फसल भी है। हमारी सरकार बनी फरवरी 2015 में, 2 महीने बाद अप्रैल में मेरे पास किसान आए, बोले जी बेमौसम बारिश हो गई, सारी फसल बर्बाद हो गई। मैं आपके साथ गया, करीब 30-40 गांव में घूमा और मैंने देखा पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो गई। हमने तुरंत 20,000 रुपए किले, 50,000 हेक्टेयर के हिसाब से हमने मुआवजा घोषित किया। बताते हैं भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा मुआवजा था। दूसरे राज्यों में मैं सुनता हूँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, किसानों को मुआवजा मिलता है, किसी को 200 रुपए का, किसी को 150 रुपए का चेक मिलता है, बिजली करते हैं एक तरह से किसानों की। पहली बार इतना मुआवजा घोषित करा और वो भी हमने 3-4 महीने के अंदर चेक दुआ दिए। 3-4% लोग रह गए, उनके कागज पूरे नहीं थे। जैसे भी एक भाई साहब आए थे, आप अपने कागज ले आओ, जो जो लोग रह गए मेरे पास ले आओ, मैं आपका चेक करवा दूंगा। जो जो लोग जब इतने 1,000 लोगों के चेक दे दिए तो 2-4% जो रह गए उनके भी दिलवाएंगे, कागज पर पूरे होने चाहिए। दूसरी बात, लैंड पूलिंग पॉलिसी, ये बहुत बड़ी बात थी। टाइम लग गया, कई लोग बोले जी बे जी 2 साल लग गए, बड़ी बात में टाइम तो लगता है जी। और आपको पता है कितने काम कर रहे हैं ये ऊपर वाले, उसके बावजूद लड़ लड़ के अंदर संघर्ष करके ये पूरी लैंड पूलिंग पॉलिसी पास कराई है। इस लैंड पूलिंग पॉलिसी का पूरे दिल्ली देहात पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा जी, खूब नौकरियां निकलेंगी, खूब नौकरियां निकलेंगी और आपके जमीनों के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अब सर्कल रेट बढ़ाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बीच में बढ़ाए भी थे, 3 करोड़ और 4 करोड़ रुपए हमने करे थे गांव के सर्कल रेट, सिर्फ गांव में उनको मिले भी हैं उस हिसाब से, 3 करोड़ रुपए के हिसाब से, 3 करोड़ 7 लाख रुपए के हिसाब से उनको मिले भी हैं, गांव के लोगों को मिले भी हैं 3 करोड़ के हिसाब से। अब आप लोग उससे भी ज्यादा कराएंगे सर्कल रेट, उसके लिए भी तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, बड़ी चीजों में थोड़ा टाइम लगता है।
लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, दिल्ली देहात के थे। उसके बाद दिल्ली देहात के मुख्यमंत्री बने साहब सिंह वर्मा जी, और अब दिल्ली देहात से एक मंत्री बना है आपका छोरा कैलाश गहलोत। 70 साल में तीसरी दफा ऐसा हुआ है कि दिल्ली देहात का कोई आदमी दिल्ली कैबिनेट में जाके मंत्री के रूप में बैठा है। इसी से पता चलता है कि दिल्ली देहात को हम कितनी तवज्जो देती है ये सरकार। मैं तो ये कहूंगा कैलाश गहलोत मंत्री नहीं बना, दिल्ली के देहात का एक एक छोरा मंत्री बना, वो आपकी बातों को लेकर वहां जाएगा। कैबिनेट के अंदर हर बात उठती है, आपका 74-4 का मुद्दा है, 20 सूत्री कार्यक्रम का मुद्दा, जितने आपके मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे उठाएगा, 81 का मुद्दा, सारे मुद्दे को अंदर बैठ के उठाएगा। अभी मेरे को बता रहे थे बाबा ने बस डिपो बंद कर दिया, मैंने उसको परसों ही बोला था, मैंने कहा कुछ भी कर, सबसे ज्यादा बसों की समस्या गांव देहात में होती है जी, कि दिल्ली देहात का कोई आदमी दिल्ली कैबिनेट में जाके मंत्री के रूप में बैठा है। इसी से पता चलता है कि दिल्ली देहात को हम कितनी तवज्जो देती है ये सरकार। मैं तो ये कहूंगा कैलाश गहलोत मंत्री नहीं बना, दिल्ली के देहात का एक एक छोरा मंत्री बना, वो आपकी बातों को लेकर वहां जाएगा। कैबिनेट के अंदर हर बात उठती है, आपका 74-4 का मुद्दा है, 20 सूत्री कार्यक्रम का मुद्दा, जितने आपके मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे उठाएगा, 81 का मुद्दा, सारे मुद्दे को अंदर बैठ के उठाएगा। अभी मेरे को बता रहे थे बाबा ने बस डिपो बंद कर दिया, मैंने उसको परसों ही बोला था, मैंने कहा कुछ भी कर, सबसे ज्यादा बसों की समस्या गांव देहात में होती है जी, और जगह तो फिर भी कुछ मिल जाता है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के नई दिल्ली वगैरह में तो फिर भी कुछ, गांव देहात में कोई साधन नहीं मिलता, वहां बस ही होती है। तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, इसीलिए उसको हमने मंत्रालय भी परिवहन का दे दिया, परिवहन मंत्री को ही आपका छोर ही है जी, परिवहन मंत्री। अब जाके सारे मैंने पकड़ लो अपने छोरे को, और मैंने उसको कहा भी बवाना डिपो बंद नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, और यहाँ पे बसों की जो कमी है वो बसों की कमी पूरी होनी चाहिए। थोड़ा सा आप कह रहे थे 80 बसों की उसमें कैपेसिटी है, एकदम से 80 बसें तो मैं नहीं, लेकिन मैंने उसको कह दिया पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, जितनी बसें खरीदनी है दिल्ली के लिए बसें खरीदो, तो पूरी की पूरी 80 बसें होने में आने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन तुरंत कमी पूरी करेंगे। बस बवाना बस डिपो बंद नहीं होने जाएंगे, और थोड़ी सी बसें दूसरे इलाकों से डाइवर्ट करके इधर हम लेके आएंगे। लेकिन अब मेरी थोड़ी सी आपसे गुजारिश है कि आप उसको अपने छोरे को पकड़ना, उसको कहना कि तू अपने गांव देहात का लड़का है, तेरे को बना लिया तो हमारा काम कर, अगर वो नहीं करे तो फिर मेरे पास आना। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक चीज और जो बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ, किसी भी राष्ट्र का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके बच्चे पढ़े लिखे ना, और हमारी सरकार बनने के पहले पूरे देश में ऐसा माहौल इन्होंने खड़ा कर दिया था, जानबूझ के सरकारी स्कूलों की हालत कबाड़ा कर दी थी लोगों ने, कि लोग परेशान होकर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती कराए। मेरे को याद है हमारे जमाने में सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे आईएएस अफसर बना करते थे, इतने अच्छे होते थे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल तो बहुत कम हुआ करते थे। धीरे 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 करके इन्होंने सारे प्राइवेट सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, और सारे प्राइवेट स्कूल क्यों, क्योंकि शिक्षा मंत्रियों के प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, सारे मंत्रियों को बिजनेस बना रखा, शिक्षा को बिजनेस बना लिया। पहली बार ऐसा किया जी 2 साल के अंदर इस मनीष सिसोदिया ने, एक एक स्कूल में जा जाके इस बार मेरे को कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों का नतीजा आया 88%, और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के नतीजा आए 78%, 10% रिजल्ट ज्यादा आया हमारे सरकारी। हमारे सरकारी स्कूलों के 372 बच्चों का आईआईटी में एडमिशन हुआ, आईआईटी आप जानते होंगे जो देश के इंजीनियरिंग कॉलेज है, सबसे बढ़िया इंजीनियर, मैं भी आईआईटी का पढ़ा हुआ, आईआईटी खड़गपुर का सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज 5 है अपने देश में, सबसे टॉप के, उन 5 टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजों में
अपने सरकारी स्कूलों के 372 बच्चों का एडमिशन हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और हम जितने बच्चे अपने पाली करके जा रहे हैं गरीबों के, हमने पॉलिसी बना दी। पहले क्या होता था, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, 12वीं तक तो फ्री है सरकारी स्कूलों में, आपके बच्चे पढ़े खूब अच्छा। आप कुछ सरकारी स्कूलों में जा रहे थे, जितने नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं उनमें स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं। और अब हमने कर दिया, 12वीं के बाद आपके बच्चे को पैसे की कमी की वजह से अब दिक्कत नहीं होगी। 10 लाख रुपए का लोन देगी सरकार। पहले लोन देती थी सरकार तो आपको कहती थी गारंटी दो, जमीन की गारंटी दो, घर की गारंटी दो। जमीन और घर ही होता तो बेचारा गरीब कहाँ होता, गरीब आदमी गारंटी कहाँ से लाए। तो अब हमने कहा कोई गारंटी नहीं है, हम हर बच्चे के घर फॉर्म भेजेंगे लोन का, बच्चा फॉर्म भरे सरकार गारंटी देगी, हम गारंटी देंगे आपके बच्चे चाहिए। जब आपका बच्चा पढ़ लिख के निकलेगा, उसके एक साल बाद जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो 15 साल में उसको लोन वापस करना है, वो जितना भी लोन मान लो 1 लाख रुपए। तो नौकरी लगने के बाद 15 साल में तो धीरे धीरे थोड़ा 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 करिए। माँ बाप को कुछ करने की जरूरत नहीं है, माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं आएगा, बच्चे के ऊपर बोझ आएगा। मेरा यह मानना है जी, अपने युवाओं को अगर हमने पढ़ा दिया और इनको नौकरी दिलवा दी, इससे बड़ा काम देश के लिए नहीं हो सकता, राष्ट्र के लिए नहीं हो सकता, सबसे बड़ा काम नहीं। और दूसरा काम कर रहा है जी, आपके अस्पतालों को, रोज मैं अस्पतालों का दौरा करने जाता हूँ। कल भी एक अस्पताल का दौरा करने गया था, पिछले हफ्ते भी एक अस्पताल का। सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। और आज मैं ऐलान करके जा रहा हूँ, आपके एक एक गाँव के अंदर मैं मोहल्ला क्लिनिक खुलवाऊंगा। मोहल्ला क्लिनिक है, छोटी छोटी डिस्पेंसरियां हैं, एयर कंडीशन डिस्पेंसरी, सारी दवाइयां मुफ्त है, सारे टेस्ट मुफ्त है, सारा इलाज मुफ्त है उनके अंदर। हर गांव के अंदर एक एक डिस्पेंसरी खुलवा लेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक। और जितनी माँ बहनों की, बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। मैंने तो अपनी तरफ से 1.5 हजार से 2.5 हजार महीना कर दी थी, लेकिन आज ये सुनते ही मेरे को बड़ा चंबा हो रहा है कि ऊपर से हम बेच रहे हैं और नीचे नहीं पहुंच रही। अब मैं कैंप लगवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर कैंप लगवा के आपकी पेंशन बढ़वाएंगे। अफसरों को भी भेजूंगा मैं, अपने MLA साहब भी आएंगे हमारे। और दूसरा, जितने भी लैंड पूलिंग को लेके जितनी आपकी मन में प्रश्न है, उसके लिए भी मैं कैंप लगवाऊंगा। हमारे लोग कैंप लगाएंगे, आपको समझाएंगे कि लैंड पूलिंग का आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं, ताकि आप सब लोगों को, कईयों को पता ही नहीं होगा ये लैंड पूलिंग है क्या चीज है। आपको बताएंगे, हमारे लोग आएंगे, कैंप लगवाएंगे और कैंप लगा के आपको बताएंगे कि कैसे आप लैंड पूलिंग कर सकते हैं। लैंड मतलब जमीन सस्ते रेटा अभी मत बेचना जी। और एक भाई यहाँ पे जो गेस्ट टीचर का बोल रहे थे, गेस्ट टीचर के लिए मैं बता दूं जी, पहली चीज तो जब हमारी, हाँ मैं कर रहा हूँ, हमारी सरकार में जब सरकार बनी आपको 15-16 हजार रुपए महीना मिलते थे, गेस्ट टीचरों की तनख्वाह बढ़ा के 33 हजार रुपए महीना कर दी हमने। ये बोली हमने कहा भाई चल देनी है, चाहे गेस्ट टीचर है चाहे कुछ भी हो। दूसरा, 20 हजार वैकेंसी अब निकलने वाली है टीचरों की, परमानेंट टीचरों की। उसमें मेरी लड़ाई जो चल रही है मैं बता दूं गेस्ट टीचरों को, आप भी मेरा थोड़ा सा साथ देना। मैंने उसमें लिखा था भाई एज रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। अब बेचारा कोई गेस्ट टीचर 6 साल से 7 साल से काम कर रहा है, उसकी तो उम्र पूरी हो गई, अब एज रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। उस पर तो मान गए एलजी साहब। अब एलजी साहब, मैंने फाइल पे ये भी लिखा भाई 6 साल से अगर कोई काम कर रहा है तो उसको इतना वेटेज देना पड़ेगा एक्सपीरियंस का। भाई जिन टीचरों ने हमारे को 88% नतीजे दे दिए, हम तो उन्हीं को रखना चाहते हैं, हम नए को क्यों रखेंगे। तो मैंने कहा उनको वेटेज दो, वेटेज देंगे तो ये सारे के सारे अपने आ जाएंगे। उस पे फाइल के ऊपर आप आ जाना, मैं फाइल दिखा दूंगा एलजी साहब ने अपनी। वो अड़ा दी, बोले मैं वेटेज नहीं देना दूंगा। मैंने कहा वेटेज तो मैं लेके आऊंगा, चलाना पड़ेगा मेरे को। तो वेटेज के ऊपर अभी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में भी केस चल रहा है। लेकिन महीने 2 महीने के अंदर आपकी 20 हजार वैकेंसी आ रही है। मुझे लगता है 20 हजार वैकेंसी में सारे गेस्ट टीचर परमानेंट हो जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताओ 10 साल पूरा मैं रिलैक्सेशन करा 36 साल पीजीटी को मेरे पास आया।